हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दिशांत एंड इन माय सीरीज ऑफ लेक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन सिस्टम तो टुडे वी डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम पार्ट फर्स्ट चलिए देखते हैं सबसे तो पहला जो पॉइंट है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन इन एनिमल्स द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोनल सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोर्डिनेशन यस अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है अच्छा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाले सिस्टम का क्या मतलब है तो इसमें ऐसे सिस्टम को इन्वॉल्व किया जाता है जो बॉडी के अदर सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया है ना एक्सक्रीट सिस्टम हो गया और सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया इन सब को क्या करें कोऑर्डिनेट करें कंट्रोल करें डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया तो अपनी बॉडी के अंदर दो सिस्टम ऐसे हैं एक है अपना नर्वस सिस्टम ठीक है और एक है अपना एंडोक्राइन सिस्टम जिसको अपन हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं यानी ये दो मिलकर के अपने पूरी बॉडी के ऑर्गन को और सिस्टम्स को क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग पहला दे दिया नर्वस सिस्टम और दूसरा दे दिया एंडोक्राइन सबसे तो पहले अपन क्या पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम लिखा है द नर्वस सिस्टम इज कम्पोज ऑफ स्पेशलाइज टिश्यू कॉल द नर्वस टिश्यू और इस नर्वस नर्वस टिश्यू के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है एक होती है न्यूरोग्लाइल सेल्स और एक न्यूरोन ठीक है न्यूरोन तो नर्वस सिस्टम की जो मेन यूनिट है क्योंकि नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो होता है इम्पल्स ट्रांसमिशन क्लियर तो न्यूरोन इम्पल्स ट्रांसमिशन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है लेकिन जो ये न्यूरोग्लाय सेल्स होती है ये सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द न्यूरॉन होती है यानी ये नर्व इम्पस ट्रांसमिशन जो न्यूरॉन करता है उसमें ये सपोर्ट करती है न्यूरॉन को ठीक है कैसे सपोर्ट कर सकती है थोड़ा सा आइडिया दे, दे देता हूँ आपको जैसे कि ये नर्व फाइबर को कवर करके उसको प्रोटेक्ट करती है न्यूरॉन को ब्लड वेसल्स ब्लड कैपिलरी के साथ में कनेक्ट करने में ये मदद करती है यदि नर्वस सिस्टम यानी जो अपने नर्वस टिश्यू होते हैं ब्रेन वगैरह जो ऑर्गन होते हैं नर्वस उनके अंदर कोई पैथोजन आ जाता है तो उसको किल करने में हेल्प करते हैं यानी मैक्रोफेजेस की तरह बिहेव करते हैं तो न्यूट्रिशन देना न्यूरोन को हील करना छोटा मोटा डैमेज हो जाए तो तो आ, ये न्यूरोग्लाय सेल्स के फंक्शन होते हैं इसलिए न्यूरोग्लाय सेल्स को सपोर्टिंग सेल्स भी बोला जाता है न्यूरोन की नेक्स्ट है

मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोआर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल यस अब देख रखा है फंक्शन ऑफ दर्वस सिस्टम तो नर्वस सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं देखो सबसे तो पहला फंक्शन हो गया कंट्रोल एंड कोआर्डिनेशन ठीक है अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना और उसको कोऑर्डिनेट करना ठीक है नेक्स्ट है अवेयरनेस अपने जो सराउंडिंग है उसके लिए अपनी पूरी बॉडी अवेयर रहती है नर्वस सिस्टम की वजह से हर है हायर फंक्शंस लाइक इमोशंस इंटेलिजेंस मेमोरी ये सारी की सारी क्या होते हैं नर्वस सिस्टम के ही पार्ट है ये नर्वस सिस्टम से ही परफॉर्म होते हैं ठीक है इन इनवॉल्ट्री मूवमेंट्स लाइक पेरिस्टालसिस पेरिस्टालसिस क्या होता है अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो जब अपन कोई फूड को इंटेक करते हैं तो जो अपना फूड जो होता है वो अपने जी आई यानी एलिमेंट्री के नाल या फिर जो जी है गैस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक उसके अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल करता है तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है ठीक है वो जिन बाउल मूवमेंट की वजह से आगे की तरफ जा रहा है अपने जी के अंदर उन मूवमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं उन इनवॉल्ट्री मूवमेंट्स को अपन बोलते हैं पेरिस्टालसिस ठीक है नेक्स्ट है रिफ्लेक्सेस तो बहुत सारे रिफ्लेक्स होते हैं ठीक है आंखें झपकना और किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आप टच कर लो तो तुरंत आपका हाथ वहाँ से हट जाता है तो बहुत सारी रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं कंडीशनल और अनकंडीशनल उसको ये अपना नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू तो नर्वस टिश्यू क्या होता है नर्वस टिश्यू के अंदर सबसे पहला आ रहा है न्यूरोन क्या होता है न्यूरोन अ न्यूरोन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम ये पहले भी डिस्कस हो चुका है न्यूरोन इज अ हाईली स्पेसलाइज सेल्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नव इम्पल्स यस ये नव इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है लिखा okay. है द न्यूरोन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट अब न्यूरोन के कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देख रहे हैं तो है सेल बॉडी वाला पार्ट डेंड्राइड्स और डेंड्रॉन और देन एग्जोन तो मेनली थ्री पार्ट में डिवाइड किया ये देखो डायग्राम यहाँ पे दिया गया है तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है सेल बॉडी पार्ट फर्स्ट पार्ट जो है कौन बोलो तो सेल बॉडी अब सेल बॉडी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँ तो जैसे एक जनरल सेल होती है है ना वैसे ही न्यूरोन की सेल बॉडी वाला पार्ट होता है क्लियर जैसे एक नॉर्मल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहती है तो यहाँ पे भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसको अपन न्यूरोलिमा बोलेंगे उससे ये कवर रहेगा इसके बीच में भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसमें भी माइटोकॉन्ड्री और अदर सेल की तरह जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स वगैरह राइबोसोम्स के फ्रेगमेंट्स ई आर बहुत कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ठीक है उसको बोलते हैं सेल बॉडी दूसरा है डेंड्राइट्स यहाँ पे आप देख रहे हो सेकेंड पोर्शन उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स सेल बॉडी से जो प्रोजेक्शन निकलते हैं या जो ब्रांचिंग निकल रही है ये देखो ये हो गई ये हो गई ये हो गई, ये हो गई. तो ये जो ब्रांचिंग है या जो ये जो प्रोजेक्शन है इनको अपन क्या बोलते हैं डेंड्राइट्स और डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है जब इम्पल्स uh, कंडक्शन होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह पे नर्व uh, ट्रांसमिशन होता है तो जो इम्पल्स होता है वो नर्व सेल के अंदर इस डेंड्राइट uh, रीजन से ही एंटर करता है यहाँ से अंदर एंटर करेगा क्लियर तो वो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो इम्पल्स को रिसीव करते हैं एज ए एंटीना की तरह क्लियर और जो थर्ड पोर्शन है जिसको अपन क्या बोलते हैं एक्जोन क्या बोलते हैं एक्जोन तो एक्जोन जो है वो सेल बॉडी से निकलने वाला एक बहुत टेल लाइक पोर्शन है ठीक है जिसको अभी आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे और यही वो पोर्शन होता है जिसपे इम्पल्स रन करता है ठीक है तो ये देखेंगे अच्छा इसमें क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ तो यहाँ पे देखो सेल बॉडी वाला पोर्शन एक्जोन के साथ मतलब यहाँ से ये पोर्शन कनेक्ट हो रहा है इस स्ट्रक्चर के थ्रू है ना इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं एक्जोन हिलोक ये जो स्ट्रक्चर है एक्जोन हिलोक ठीक है देन उसके बाद में ये जो एक्जोन आगे की तरफ चलता है तो इसको एक सेल की लेयर कवर करती है और उस सेल को अपन बोलते हैं स्वान सेल ठीक है ये स्वान सेल एक स्पेशल टाइप की फैटी लेयर सिक्रिएट करती है जो कि एग्जोन को चारों तरफ से कवर कर लेती है और वो जो लेयर होती है वो नेचर में इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है इंसुलेटिंग लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं माइलिन शीथ ठीक है जहाँ पे स्वान सेल प्रेजेंट होती है वो तो ठीक है लेकिन जहाँ पे स्वान सेल एंड हो रही होती है मतलब ये वाला पोर्शन जहाँ पे स्वान सेल जो है वो एंड हो रही है मतलब जो क्यूमलेटिवान सेल है उनके बीच का स्पेस ठीक है उनको अपन बोलते हैं नोड ऑफ रनवीर ठीक है नोड ऑफ रनवियर जो है वो स्वान uh, सेल के बीच में जो डिप्रेस्ड एरिया होता है उसको अपन बोलते हैं ठीक है देन उसके बाद में uh, जो न्यूरॉन का uh, जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो स्वान सेल नहीं होती और देन उसके बाद में पीछे का पोर्शन ठीक है ना उसको अपन बोलते हैं एग्जॉन टर्मिनल और एग्जॉन टर्मिनल के एकदम पीछे की तरफ क्या मिलते हैं सिनेप्टिक बटन मिलते हैं तो इनको अपन बोलते हैं सिनेप्टिक फॉली सिनेप्टिक बटन सिनेप्टिक बटन ठीक है और ये आगे चल करके यहाँ से जो इम्पस है वो आगे चल कर के दूसरे न्यूरॉन के टेंड्राइट्स में एंटर करता है और इस लेवल पे ही क्या होता है एक केमिकल प्रोसेस जिसको अपन बोलते हैं सिनेप्स वो यहाँ पे होती है ठीक है नेक्स्ट अपन देखते हैं तो ये न्यूरॉन का डायग्राम हो गया नेक्स्ट सबसे पहले न्यूरॉन का जो पोर्शन है जिसको अपन सेल बॉडी बोलते हैं वो आया है अब यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है और उसके कुछ नाम भी दे रखे हैं तो सेल बॉडी तो सेल बॉडी होती है इसके अलावा सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं साइटोन वाला पोर्शन भी बोलते हैं या पेरी भी बोलते हैं ठीक है डायग्राम okay? भी दे रखा है ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये वाला पोर्शन तो साइटोन बोलते हैं लिखा है द सेल बॉडी इज द न्यूरोन कोर यस न्यूरोन का एक एंड होता है एंटीरियर एंडल बॉडी कैरीजिक इंफॉर्मेशन में फंक्शन होता है जेनेटिक है. इंफॉर्मेशन है? का मतलब क्या है क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वहां पर क्रोमोजोम होंगे तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो रहेगी ठीक है लाइक अदर सेल बॉडीज आर न्यूरोलियस एंड स्पेशलाइज ऑर्गेनि इट्स एनक्लोज बाई अ मेमरेन विच बोथ प्रोटेक्ट्स इट एंड अलाउज इट टू इंटरेक्ट विद इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स यस ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक मेमरेन आपको दिखाई दे रही है ये मेमरेन है यहाँ पे देखो यहाँ से ढंग से दिखाई ये साइटोन uh, की जो मेमरेन है आउटर मेमरेन ये जो मेमरेन आपको दिखाई दे रही है इस मेमरेन को आप क्या बोलते हो न्यूरोमा uh, ठीक है ना हाँ इसका फंक्शन वैसे ही होता है जैसे एक नॉर्मल सेल का होता है नॉर्मल सेल में प्लाज्मा लीमा का होता है ठीक है नेक्स्ट है निसल सब्सटेंसेस या निसल बॉडीज ये इंपॉर्टेंट रहता है पूछा जाता है निसल बॉडी क्या होती है निसल ग्रेन्यूल्स क्या होता है? तो uh, body, uh, तो चटे -चटे होते हैं तो देखो निसल्स बॉडी ऑल्सो नॉन एज निसल सब्सटेंसेस एंड निसल मेटीरियल इज ए लार्ज ग्रेन्यूलर बॉडी फाउंड इन द न्यूरोन तो ये न्यूरोन के अंदर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं ग्रेन्यूलाइ -like, तो वो आ, मिलते हैं यानी ये आपको ध्यान में रखना है आर ई आर विद रोजेट्स ऑफ फ्री राइबोसोम्स तो एक्चुअली में क्या है वो आपको ध्यान रखना है कि जो साइटोन वाला पार्ट होता है उस पार्ट के अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो यूं कह सकते हैं कि जो राइबोसोम के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ठीक है वो प्रेजेंट होते हैं और इन फ्रेगमेंट्स को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स हो गए और जो फ्री राइबोसोम्स हैं वो आपस में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है और छोटे छोटे ग्रेन्यूस वाला पार्ट बना लेते हैं साइटोन के अंदर उसको अपन क्या बोलते हैं निजर्स ग्रेन्यूस बोलते हैं तो ये निजर्स ग्रेन्यूस आगे बताया भी है इसका फंक्शन क्या है ठीक है दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यस निजल ग्रेन्यूल होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है क्यों क्योंकि इसके ये किससे मिलके बना है इसके कंपोनेंट्स क्या है एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हो उसको अपन क्या बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स का खुद का फंक्शन क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस तो आरईआर और राइबोसोम दोनों ही क्या है? करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं इसलिए निजल्स ग्रेन्यूल का भी फंक्शन क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस तो ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनाते हैं और ये प्रोटीन आगे चल करके क्या बनाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर तो निस ग्रेन्यूल का फंक्शन क्या है न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर का फॉर्मेशन करना और प्रोटीन सिंथेसिस करना अब आप पूछोगे न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है डिटेल में अपन इसको सीनेपसिस uh, synaps वाले प्रोसेस में पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ न्यूरो ट्रांसमीटर ऐसे केमिकल्स होते हैं ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो न्यूरॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बिना फिजिकली कांटेक्ट के इम्पस ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं ठीक है देखेंगे कैसे होता है सारा कुछ डिटेल में नेक्स्ट है डेंड्राइट्स तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं डेंड्राइट्स आर फाइब्रस रूट्स दैट ब्रांचेस आउट दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द सेल बॉडी यस ये जो सेल बॉडी है इससे आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखो ब्रांचिंग निकली हुई है ठीक है ये ब्रांचिंग है इनको अपन क्या बोलते हैं डेंड्राइट्स और ये किसकी तरह बिहेव करते हैं ये एंटीना की तरह बिहेव करते हैं है। जैसे एंटीना किसी सिग्नल uh, को रिसीव करता है ना वैसे ये क्या करते हैं uh, इससे आगे वाला जो न्यूरॉन रहेगा वो जो इम्पल्स आएगा उस इम्पल्स को रिसीव uh, करने में हेल्प करता है ठीक है न्यूरॉन कैन हैव मोर देन वन सेट ऑफ डेंड्राइट्स नॉन एस डेंड्रेटिक ट्रीज अभी एक से ज्यादा फाइबर यहाँ पे देख लो मल्टी फाइबर्स मिल रहे हैं इसके डेंड्राइट्स के तो उसको अपन ट्री बोल देते हैं ट्री हाउ मैनी हैव जनरली डिपेंड्स ऑन देयर रोल तो कितने एक सेल बॉडी में कितने डेंड्राइट्स प्रेजेंट है उसकी ब्रांचिंग कितनी है वो डिपेंड करता है कि उसके फंक्शन उसका मेन रोल क्या है ठीक है मतलब बहुत सारे न्यूरॉन यदि एक एक साथ कनेक्ट हो रहे होंगे तो वहां पे ब्रांचिंग भी क्या होगी ज्यादा होगी मतलब तो यहां से भी न्यूरॉन कनेक्ट हो रहा है यहां से भी न्यूरॉन कनेक्ट हो रहा है यहां से भी न्यूरॉन कनेक्ट हो रहा है तो उस केस के अंदर क्या होगा ज्यादा ही होंगे ये नेक्स्ट है एक्सॉन लिखा है एन एक्सॉन एट इट्स मोस्ट बेसिक इज ए लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज एन इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम द सेल बॉडी और फ्रॉम अनदर सेल्स डेंड्राइट्स टू at एट अपोजिट एंड ऑफ द न्यूरोन अपन क्या बोलते हैं एग्जॉन terminals, विच कैन देन पास द impulse टू अनदर न्यूरोन यस तो इसका क्या फंक्शन होता है ये आपका एक्जोन है यहां से जो इम्पस आते हैं ठीक है ना उसको यहाँ तक एक्जोन टर्मिनल तक पहुंचाने का काम कौन करता है एग्जोन करता है तो एग्जोन की सरफेस पे ही ये क्या करते हैं ट्रांसमिट होता है इस तरीके से क्लियर नेक्स्ट लिखा हुआ है द द सेल बॉडी स्ट्रक्चर एक्सोन जंक्शन बिटवीन द सेल बॉडी एंड द एक्न तो ये एक्सॉन हो गया और ये सेल बॉडी होगी इसके बीच का ये जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं हिलॉक एक्जोन हिलॉक क्लियर नेक्स्ट लिखा हुआ है

न्यूरॉन के एगजोन का तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है तो बोलते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप छोटे-छोटे छोटे-छोटे देखो आपको कुछ फिलामेंट्स जैसे दिखाई देंगे इन स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं न्यूरो फाइबर फाइब्रिल न्यूरो फाइब्रिल क्या होते हैं ये न्यूरॉन से मिलकर के बने हुए ट्रैक होते हैं और ये आपस में जब जुड़ जाते हैं ठीक है ना तो इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन आ जाती है उस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं एक्सोन मेम्ब्रेन ठीक है एक्सोन मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं एक्सोन लीमा देखो लीमा वर्ड जहां पे भी आता है उसका मतलब होता है मेम्ब्रेन तो एक्सोन मेम्ब्रेन बोल दो या एक्सोन लीमा बोल दो तो ये पूरा पोर्शन एक्सोन लीमा से कवर्ड न्यूरो फाइबर्स के या नर्व फाइबर्स के जो ट्रैक है ठीक है ना उनके क्लस्टर को अपन क्या बोलते हैं ये पूरा का पूरा एग्जोन तो ये येलो कलर का येलो गोल्डन कलर का जो स्ट्रक्चर है तो वो क्या है एक्जोन है अब इस एक्जोन के बाहर की तरफ क्या मिलती है एक स्पेशल टाइप की सेल मिलती है ठीक है उस सेल को अपन क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं स्वान सेल क्या बोलते हैं स्वान सेल और यहाँ पे ये जो आप देखने मिल रहा है आपको ये स्वान सेल का न्यूक्लियस है क्लियर तो स्वान सेल क्या करती है इस एग्जोन के चारों तरफ एग्जोन को कवर कर लेती है ठीक है अब क्या होता है स्वान सेल आ, एक मेम्ब्रेन करती है, ठीक है जो कि नेचर में आ, ऐसी होती है उसका कंपोजिशन कैसी होती है वो फैटी लेयर होती है क्लियर और जो फैटी लेयर होती है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है इंसुलेटर की तरह मतलब यू कह सकते हैं कि इसमें से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होगा वो इस, इसको आ, पास नहीं कर पाएगा क्लियर तो इस फैटी लेयर को अपन बोलते हैं माइलिन शीत इस माइलिन शीत के बेसिस पे अपन न्यूरोन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ठीक okay? है तो जो माइलिन शीत है यदि वो प्रेजेंट है माइलिन शीत न्यूरोन के अंदर प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरोन क्या बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरोन लेकिन यदि माइलिन शेत अपसेंट है तो उसको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरोन ठीक है तो इस तरीके से न्यूरोन का क्लासिफिकेशन होता है माइलिन शीत के बेसिस पे लेकिन स्वान सेल दोनों दोनों न्यूरोन फाइबर में प्रेजेंट होगी चाहे वो माइलिनेटेड न्यूरोन हो चाहे नॉन माइलिनेटेड क्लियर देन यहाँ पे आप ये जो लेयर्स देख रहे हो इतनी ये क्या है वो फैटी लेयर्स है जिसको अपन माइलिन शीत बोल रहे हैं क्लियर और वो किसके बीच प्रेजेंट है एक्सॉन मेम्ब्रेन और जो स्वान सेल है उसके बीच में देन उसके बाद में जो स्वान सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं न्यूरोलीमा ठीक है लिखा है शीट ऑफ स्वान सेल अब एक स्वान सेल ये एक हो गई ये दूसरी हो गई ये तीसरी और ये चौथी और ऐसे सोवन आगे चलती रहती है तो यहाँ पे जो दो स्वान सेल के बीच का जो स्पेस होता है जो एक डिप्रेस एरिया होता है स्पेस नहीं कह सकते डिप्रेस एरिया जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं नोड ऑफ रनवीर क्लियर तो ये नोड ऑफ रनवीर है ये नोड ऑफ रनवीर क्लियर नेक्स्ट अपन देखते हैं देखा ए मच्योर न्यूरोन इज नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन यस ये आपको ध्यान में रखना है यदि न्यूरोन मचोर हो जाता है तो उसकी जो डिवीजन की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है इसीलिए यदि नर्वस टिश्यू के अंदर कोई इंजरी होती है तो उसकी हीलिंग मुश्किल होती है ठीक है क्योंकि तो न्यूरॉन जो होता है वो डिवाइड नहीं हो पाता है क्लियर नेक्स्ट अपन देखते हैं नौ। तो नर्व क्या होती है लिखा हुआ है नर्व इज मेडअप ऑफ सेवरल बंडल ऑफ फाइबर ईच बंडल क्लोज इन अ स्पेशल शीट द पेरीन्यूरियम एंड ऑल बाउंड टूगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट एंड फ्रेमवर्क द कॉल्ड द एपिन्यूरियम क्या होता है इस डायग्राम में देखो बहुत सिंपल है बाहर अंदर से बाहर की तरह अपन नव को देखेंगे कि एक नव कैसे बनी हुई होती है तो सबसे अंदर की तरफ आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है है ना जिसको अपन क्या बोल रहे हैं नर्व फाइबर और ये नव फाइबर किससे मिलकर बनता है न्यूरोन से मिलकर बनता है तो न्यूरोन के ट्रैक्स को अपन क्या बोलते हैं नर्व फाइबर बहुत सारे नव फाइबर जो होते हैं वो आपस में इकट्ठा रहते हैं हर एक नर्व फाइबर जो होता है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जैसे मैं एक मेम्ब्रेन बना देता हूँ इसके चारों तरफ आपको समझाने के लिए एक रेड कलर की मेम्ब्रेन इस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं एंडोन्यूरियम एंडोन्यूरियम क्या है नर्व फाइबर को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं एंडोन्यूरियम न्यूरियम ऐसे बहुत सारे नर्व फाइबर होंगे अब ये ऐसे बहुत सारे नर्व फाइबर जो होते हैं वो आपस में एक बंडल के फॉर्म में आ, मतलब रह जाते हैं और कवर रहते हैं और जिस कवरिंग से ये कवर रहते हैं बहुत सारे ये नव फाइबर के बंडल्स ठीक है ना उसको अपन क्या बोलते हैं उसको नाम देते हैं पेरी तो क्या बोलते हैं पेरी तो ये जो आपको ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना ये वाली इसको अपन क्या बोलेंगे पेरीन्यूरियम तो सबसे पहले क्या हुआ फाइबर न फाइबर के चारों तरफ एंडोन्यूरियम की मेमब्रेन और ऐसे बहुत सारे फाइबर मिलकर के उनके क्लस्टर को एक मेमब्रेन कवर करती है जिसको अपन बोलते हैं पेरी क्लियर और ऐसे पेरिन्यूरियम से कवर्ड नर्व फाइबर के जो बंडल है उसको अपन बोलते हैं फैसिकल्स या फैसिकुलाई ठीक है और ऐसे बहुत सारे फेसिकुलाई मिलकर के एक मेम्ब्रेन के थ्रू एक कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड रहते हैं और आपस में इकट्ठा रहते हैं जिसको बोलते हैं एपीन्यूरियम क्लियर तो इस तरीके से आप देख सकते हो और बीच बीच में जो यहाँ पे ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है और जिसके अंदर आर्टरी नर्व्स क्या होती है सप्लाई होती है क्लियर ताकि नर्व्स को भी क्या मिलती रहे ऑक्सीजन एनर्जी क्योंकि नर्व भी तो क्या है एक लिविंग सेल है तो उनको ऑक्सीजनेटेड uh, ब्लड मिलता रहे और डी ब्लड जो है वो कलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे आर्टरी वेन्स वगैरह ये भी प्रेजेंट होती है तो यहाँ लिखा हुआ है ये नेक्स्ट है तो ये पूरा एक नर्व का डायग्राम है टाइप्स ऑफ न्यूरोन तो न्यूरोन कितने टाइप्स के होते हैं देखो लिखा है देर आर देर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ न्यूरोन और वह किस के बेसिस पे देखो किसी का क्लासीफिकेशन या किसी का टाइप होता है ना तो उसके लिए एक बेस होता है किस बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया है तो यह है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन फंक्शन के बेसिस पे फंक्शन के हिसाब से देखो सबसे पहला सेंसी न्यूरोन दूसरा है मोटर न्यूरोन और तीसरा है इंटर न्यूरोन तो सेंस न्यूरोन इंटर न्यूरोन और मोटर न्यूर क्या होता है ये देखो देखो सेंस न्यूरोन क्या हो गए अपने बॉडी के अंदर वो सारे न्यूरोन जो सेंस ऑर्गन से है ना जो रिसेप्टर कह सकते हैं या सेंस ऑर्गन कह सकते हैं वहां से इम्पल्स को लेकर के और अपने ब्रेन या स्पाइनल कोर्ट तक ले जाते हैं यानी अपने सी तक ले जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं सेंस न्यूरोन ठीक है न्यूरोन का वो ट्रैक या वो ना फाइबर जो कि सेंस ऑर्गन से या रिसेप्टर से जहाँ से इम्पल्स जनरेट हुआ है वहाँ से इम्पल्स को लेकर के और अपने सीएनएस तक लेके कर आते हैं ठीक है ना उनको अपन बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर देन उसके बाद में जो इम्पल्स है, उसके लिए क्या होगा एक्शन होगा कोई ना कोई एक्शन का रिएक्शन होगा तो बॉडी कोई ना कोई एक्शन लेगी तो उस एक्शन के लिए भी क्या करना होगा इम्पल्स को ट्रांसमिट करना होगा ठीक है तो वो जो इम्पस लेके जाता है मतलब सी एन एस से जो इम्पस लेके जाता है नर्व फाइबर या न्यूरॉन्स ठीक है कहाँ तक उस सेंस ऑर्गन तक जहाँ पे जहाँ से इंफॉर्मेशन आई थी और उसके लिए जो भी रिस्पॉन्स देना होता है वो कौन देता है इफेक्टर ऑर्गन तो इफेक्टर ऑर्गन तक जो इन्फॉर्मेशन सी एन एस से इफ, इफेक्टर ऑर्गन तक जो नर्व फाइबर इम्पस लेके जाता है उसको तो अपन क्या बोलते हैं मोटर न्यूरोन ठीक है तो जहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है वो कौन ले जाता है सेंसरी न्यूरॉन और सीएनएस में प्रोसेस होने के बाद में उसके लिए जो एक्शन करना होता है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन जाती है जो इम्पल्स जाता है वो कौन ले जाता है मोटर न्यूरॉन ठीक है एक थर्ड कैटेगरी होती है इसको बोलते हैं इंटर इंटरन्यूरॉन ये इंटर इंटरन्यूरॉन क्या करते हैं सेंसरी न्यूरोन और मोटर न्यूर के ट्रैक को आपस में कनेक्ट करता है और साथ ही साथ ये सी के अदर पार्ट्स को भी कनेक्ट करते हैं यानी ये क्या होता है इंटरमीडिएटेड न्यूरोन होते हैं जो अलग अलग एरिया से जुड़े हुए रहते हैं ठीक है ब्रेन के तो कनेक्ट कुल uh, cool मिला के कह सकते हैं ये कनेक्ट uh, करते हैं अलग अलग ट्रैक्स को ठीक है सबसे पहले आ गया अब इन सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है सेंसर न्यूरॉन क्या होता है डीज कैरी नव इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन सच एज द आई ईयर और फ्रॉम अनदर न्यूरोस टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड ये क्या होते हैं सी एन एस ठीक है ना जैसे अपन ने किसी चीज़ को देखा ठीक है और देख करके अपने पता लगाया कि ये क्या है तो देखने से जो लाइट गई है तो आई अपना क्या हो गया सेंस ऑर्गन हो गया तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन तक जाती है और वहाँ पर प्रोसेस होती है तो वो जो इन्फॉर्मेशन ले जाने वाला ट्रैक है न्यूरोन का या जो वो न्यूरोन है उनको अपन क्या बोलेंगे सेंसर न्यूरोन या फिर ए फ्रेंट न्यूरोन ठीक है अब क्या होगा नेक्स्ट आता है मोटर न्यूरोन लिखा हुआ है सी एन एस द सीएनएस टू वेरियस ऑर्गन एंड अल्टर द ऑर्गन स्टेट एंड फंक्शन ठीक है तो अब मान लो अपन ने क्या किया अपन ने देखा कि सामने से कोई आ रहा है ठीक है तो वो इम्पल्स अपने आई के थ्रू अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू क्या वो ब्रेन में गया और ब्रेन अब उसको प्रोसेस करके अब उसके लिए जो सेंस जनरेट करेगा ठीक है ना तो वो जो इम्पल्स होगा वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ जाएगा उसके एक्शन के लिए जाएगा कि उसको देख करके अपने को क्या एक्शन करना है ठीक है या मतलब उसको देख करके उसके पास जाना है या उससे दूर जाना है उससे मिलना है वो सारा कुछ जो भी एक्टिविटी होती है वो ब्रेन प्रोसेस करके भेजता है कुल मिला करके सेंस ऑर्गन से सी तक जो इन्फॉर्मेशन लाई जाती है वो सेंसर न्यूरॉन और ए फ्रेंट फाइबर के थ्रू लाई जाती है और वापस सी एन एस से आ, उस इम्पस उस, उस के रिस्पॉन्स में जो वर्क करना है उसके लिए जो इफेक्टर ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन ले जानी है वो मोटर न्यूरोन या ई फ्रेंट फाइबर करते हैं और थर्ड कैटेगरी आती है इंटर न्यूरोन ठीक है ना ये इंटरमीडिएट न्यूरोन होते हैं जो दोनों ट्रैक को कनेक्ट करते हैं तो लिखा है दीज आर टिपिकली मल्टीपोलर एंड कन्फाइंड टू सी एन एस एंड दे मतलब सी एन एस के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं ये और रिसीव सेंसरी स्टीमलाई एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू द मोटर न्यूरोन और टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग तो जो सेंसरी न्यूरोन से जो स्टिमुलाई आता है जो इम्पल आता है उसको ये प्रोसेस करने के लिए ब्रेन में भी भेज सकते हैं और उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स करना है उसके लिए मोटर नर्व को भी इम्पस ट्रांसमिट कर सकते हैं कुल मिलाकर के ये सेंसरी और मोटर नव के बीच के क्या होते हैं इंटरमीडिएटेड न्यूरोन होते हैं जो कि सी एन एस के अंदर प्रेजेंट होते हैं लिखा है दीज कनेक्ट डिफरेंट न्यूरोस ओके तो ये डिफरेंट डिफरेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं इसलिए इनको इंटर न्यूरोस या इंटर जोनल न्यूरोस या इंटर कनेक्टिंग न्यूरोस बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूरोन्स तो यहाँ पे अपने को चार कैटेगरी देखने को मिल रही है और यहाँ पे uh, सबसे पहला जो है वो है यूनिपोलर न्यूरॉन यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होगा इसमें सिर्फ जो सेल बॉडी होगी उससे सिर्फ एक प्रोजेक्शन निकलेगा ठीक है उसको अपन क्या बोलेंगे यूनिपोलर ठीक है दूसरा है बाईपोलर यहाँ पे अपने को दो पोल दिखाई देंगे तो ये जो सेल बॉडी है इससे दो प्रोजेक्शन निकले तो उसको अपन क्या बोलेंगे बाईपोलर फिर आता है थर्ड मल्टीपोलर मल्टीपोलर में क्या होगा दो से ज्यादा प्रोजेक्शन ये कह सकते हैं सेल बॉडी से निकलेंगे तो यहाँ पे देखो कितने सारे प्रोजेक्शन है डेंड्राइड के फॉर्म में और एक प्रोजेक्शन ये रहा एक्सॉन के फॉर्म में तो ये क्या हो गया मल्टीपोलर हो गया अब होता है स्यूडो स्यूडो यूनिपोलर स्यूडो यूनिपोलर का मतलब क्या है ऐसे यूनिपोलर न्यूरोन जो होते तो यूनिपोलर ही है लेकिन उनकी जो एक प्रोजेक्शन होता है उसमें ब्रांचिंग हो जाती है जिससे वो किसकी तरह बिहेव करते हैं बाईपोलर या मल्टीपोलर की तरह बिहेव करते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सेल बॉडी है तो एक ही प्रोजेक्शन निकला लेकिन इस प्रोजेक्शन में ब्रांचिंग हो गई तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे दो ब्रांचिंग देखने को मिल गई एक्चुअल तो में है तो ये यूनिपोलर लेकिन लग किसकी तरह रहा है मल्टीपोलर की तरह या बाईपोलर की तरह इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स ठीक तो है ना झूठा तो ये झूठा यूनिपोलर है तो एक्चुअल में यूनिपोलर लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे कि बाईपोलर या मल्टीपोलर हो तो okay? नेक्स्ट so, यही है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड ब्रांचिंग अलग अलग न्यूरोन को क्लासीफाई किया है यूनिपोलो न्यूरोन हैव ओनली वन स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सोमा सोमा मतलब साइटोन या सेल बॉडी सेकेंड है बाइपोलर न्यूरोन हैव वन एक्जोन एंड वन डेंड्राइट्स ठीक है थर्ड है मल्टीपोलर न्यूरोन कंटेन वन एक्जोन एंड मैनी डेंड्राइट्स और लास्ट है सूडो यूनिपोलर न्यूरोन हावर सिंगल स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड्स फ्राम द थमा विच लेटर ब्रांचेज इन टू टू डिस्टिंग स्ट्रक्चर तो ये सारा क्या होता है नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट होता है और न्यूरोन और न्यूरोन की स्ट्रक्चर और न्यूरोन का क्लासीफिकेशन होता है ठीक है थैंक यू